सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ पुलिस और स्वाट टीम ने एक होटल व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शोहरतगढ़ कस्बे के एक होटल व्यवसायी सरोज चौबे से पिछले एक सप्ताह से 24 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी और बदमाश रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वहीं धमकी से परेशान होटल व्यवसायी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने होटल व्यवसायी से फोन पर फिरौती मांगने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सरोज चौबे हैं जो रहने वाले सोहरतगढ़ के हैं। इनका होटल लाज सोहरतगढ़ और नेपाल देश के तौलिहवा में है। वहां पर इनके 2 काम करने वाले नौकर तौलिहवा में, उनसे संपर्क हुआ सतीश श्रीवास्तव से। उसके बहन की शादी थी, बातचीत आगे बढ़ी, उसी से डिमांड हुई, बातचीत हुई कि 24 लाख रुपए की मांग हुई। उसने 2 व्यक्तियों को और हायर किया, एक गुंडा का एक बस्ती का, कुल 5 हो गए। 5 मिल करके लगातार फोन करते थे। सतीश जो इसमें मेन श्रीवास्तव मेन अभियुक्त है, इसका ये कहना है कि हमारे बहन की शादी है 5 जुलाई को, कुछ पैसे उसमें मिल जाएंगे, शेष बंटवारा करके हम लोग इसकी कमाई करेंगे। इनका आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है, 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 लोग नेपाल के निवासी हैं और 2 उसी होटल व्यवसायी के होटल में काम करने वाले नौकर हैं। वहीं इस घटना का मास्टरमाइंड सतीश कुमार है, जिसकी बहन की शादी 5 जुलाई को होनी है। शादी के खर्च के लिए ही सभी ने मिलकर यह पूरा खेल रचा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूखी की रिपोर्ट।